मित्रों, कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें कर्म फल की प्राप्ति होती है। यह एक परम सत्य है। चाहे आप इस सत्य को मानिए या ना मानिए, लेकिन कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि कर्म अनुसार कर्म फल प्राप्त अवश्य होता है। ना कर्म से कोई बच पाया है और ना ही कर्म फलों से कोई बच पाया है और ना ही कभी बच पाएगा। मित्रों, इस मानव जीवन में जैसा हम कर्म करते हैं, तो उन्हीं कर्मों के अनुसार हमारा आगे का आने वाला समय तय होता है। लेकिन दोस्तों, हम इस बात को समय रहते समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक निकल चुका होता है। तो चलिए मित्रों, आज हम जानते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातन धर्मशास्त्रों में भी कर्मफल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है और उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला है संचित कर्म। इस श्रेणी में वो सब कर्म आते हैं जिन्हें व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किया है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। पूर्व जन्म के संचित कर्मों में जिन कर्मों का फल व्यक्ति वर्तमान जीवन में भोगता है, उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। तीसरा है क्रियामान या संचयमान कर्म। व्यक्ति द्वारा इस जन्म में जो कर्म किया जाता है वह क्रियामान कर्म कहलाता है। संचित कर्म का भाग जो प्रारब्ध कर्म भोगने के उपरांत शेष बचता है तथा क्रियामान कर्म, इन दोनों पर व्यक्ति का भावी जीवन निर्भर करता है। कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन वेदों, उपनिषदों, महाभारत, गीता, स्मृतियों एवं अन्य ग्रंथों में विस्तार पूर्वक किया गया है। विस्तृत विवेचन से बचते हुए यहाँ पर कर्म के सिद्धांत के मुख्य तथ्यों को संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। कर्म के सिद्धांत में कर्म तथा पुनर्जन्म का घनिष्ठ संबंध है। कर्मों के ही परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म होता है। कर्म का प्रत्यय पर्याप्त व्यापक है। शरीर के अतिरिक्त मन तथा वचन द्वारा की गई क्रियाएं भी कर्म के ही अंतर्गत सम्मिलित मानी जाती हैं। कर्म के सिद्धांत की यह मान्यता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कर्म का प्रभाव समाप्त नहीं होता। कर्मों के फलों को अनिवार्य रूप से भोगना ही पड़ता है। कर्म के चक्र को अनंत माना गया है। कर्मों की समाप्ति एक जन्म में नहीं हो जाती, एक के बाद अनेक जन्म होते हैं तथा अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक जन्म में मनुष्य योनि ही मिले। इसके अतिरिक्त कर्म की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए माना गया है कि व्यक्ति के वंशजों पर भी कर्म का प्रभाव पड़ सकता है। कर्मों के ही कारण पुनर्जन्म होता है। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति एक जन्म में अपने समस्त कर्मों के फल को नहीं भोग पाता। अतः अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार पुनर्जन्म का चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। अब चलिए मित्रों, हम कर्म के तत्व को जानते हैं। मित्रों, कर्म के कुछ तत्व या विशेषताएं होती हैं। ये सभी तत्व कर्म की व्याख्या को स्पष्ट करते हैं। इन तत्वों के अभाव में कर्म की कल्पना संभव नहीं है। कर्म में निहित प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। कर्म का अटल सिद्धांत फल से संबंधित है। मनुष्य जो भी करता है वही उसका कर्म है। इस कर्म का कुछ न कुछ फल या परिणाम होना चाहिए। कर्म फल को टाला नहीं जा सकता। मनुष्य कर्म करता है, इस कर्म का कुछ फल होता है, वह इस फल का भुगतान करता है और इन भुगतानों के अनुसार उन्हें उसके कर्मों का निर्माण होता है। कर्म और फल का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। कर्म केवल भौतिक क्रिया नहीं है,
इसके अंतर्गत सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा भावात्मक सभी प्रकार की क्रियाओं का समावेश होता है। कर्मफल में कार्य कारण का नियम काम करता है, कारण कार्य को उत्पन्न करता है और फिर कारण बन जाता है। प्रवाह अनंत है, कभी इसका अंत नहीं होता है। कर्म का फल नष्ट नहीं होता है और बिना कर्म किए फल की आशा करना व्यर्थ है। कर्म में कार्य कारण की आश्चर्य भाविता तथा चक्रपना पाया जाता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार आत्मा अमर है और पुनर्जन्म होता है। इस जन्म में हम जो कुछ करते हैं वह पिछले जन्म के कर्मों का फल है। अतः जन्म जन्मांतर और कर्म फल के द्वारा हम यह स्वीकार करते हैं कि आत्मा अमर है। मित्रों, जीवन की परिस्थितियाँ हमारे कर्मों का ही फल है। सभी परिस्थितियाँ समान नहीं होती, अतः सभी के कर्म समान नहीं होते। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कर्म के तीन प्रकार हैं। पहला है संचित कर्म, अर्थात पूर्व जन्म में किए गए कर्म संचित कर्म कहे जाते हैं। जो बचा हुआ शेष फल व्यक्ति को किसी भी जन्म में भोगना पड़ सकता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों में जिन कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है वो प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। अर्थात पिछले जन्म के कर्म से उत्पन्न फलों को मनुष्य अगले जन्म में भोगता है, और अगला जन्म किसी का भी हो सकता है, वह मनुष्य का भी हो सकता है, पशु पक्षी जानवर कीट पतंगा पेड़ पौधे आदि किसी का भी जन्म मिल सकता है। वह कर्म अनुसार ही निश्चित होता है कि अगला जन्म किसका मिलेगा। और तीसरा है क्रियामान कर्म, व्यक्ति द्वारा वर्तमान जीवन में किया जा रहा कर्म क्रियामान कर्म कहलाता है, जिसका फल मनुष्य को तुरंत ही मिल जाता है। जैसे कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसके बदले में अगला व्यक्ति भी हमसे लड़ाई झगड़ा करेगा। कोई अगर चोरी कर रहा है या फिर कोई भी बुरा कृत्य कर रहा है तो उसका फल उसे तुरंत मिल जाता है। जैसे कि अन्य व्यक्तियों द्वारा उसे मारना या फिर कानून द्वारा उसे सजा देना आदि हो सकता है। मित्रों, आशा करते हैं कि इस विषय को आपने अच्छे से समझा होगा। तो इस जानकारी को कृपया अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों के साथ साझा कर दीजिए, अर्थात शेयर कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक बार प्रेम से लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।